खबर दुर्ग जिले से सामने आई है, जहां दोस्तों ने मिलकर अपने ही दोस्त के घर में लाखों की चोरी कर ली है। भिलाई की सुपेला पुलिस ने कोसाल नगर विकसित कॉलोनी में एक घर में हुई 5 लाख की चोरी की वारदात को सुलझा लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी उनके करीबी दोस्त ही निकले हैं। फिलहाल दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। खबर पूरी जानकारी देते हुए SSP संजय ध्रुव ने बताया कि 11 सितंबर को प्रार्थी ने सुपेला थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके घर से लाखों के गहने चोरी हो गए हैं। साथ ही बताया कि उसकी पत्नी तीजा की पूजा के लिए बाहर गई थी। इस दौरान उसने अपने गहने अलमारी में रखे थे, लेकिन जब वह वापस आई तो वह गहने गायब थे। इस पर पुलिस ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए प्रार्थी के घर के आसपास के CCTV कैमरों की जांच की। वहीं जांच के दौरान पुलिस को प्रार्थी के दो दोस्तों की गतिविधियां संदिग्ध प्रतीत हुई। तब पुलिस ने गतिविधियों को देखते हुए घटना को गंभीरता से लिया और उनके दोनों दोस्तों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ में पहले तो दोनों आरोपी चोरी करने से मुकर गए, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती दिखाई कर पूछताछ की तो उन्होंने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। वहीं आरोपी दोस्त सचिन फुले और सुलिंग फुले को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में जेल भेज दिया गया है। साथ ही आरोपियों के कब्जे से चोरी की गई संपत्ति सोने चांदी के जेवरात, जिनकी कीमत 5 लाख रुपए बताई गई है। दुर्ग से उमेश पांडे की रिपोर्ट। सुपेला थाने का मामला है, जहां पर कुछ दिनों पूर्व सुपेला थाना क्षेत्र के कोसानाला क्षेत्र में प्रार्थी के घर से चोरी हुई थी कुछ जेवरात और कुछ उस पर से अपराध पंजीबद्ध किया गया था सुपेला थाना में। और CSP भिलाई नगर के नेतृत्व में SHO सुपेला को एक टीम बनाया गया था, जिसके द्वारा इस मामले को तहकीकात किया गया। दो आरोपियों को गिरफ्तार हुए हैं। टोटल 5 से 7 लाख का जेवरात जो कि चोरी हुआ था वो रिकवर किया गया है।